कम समय में आदरणीय नेता और संसदीय बोर्ड के लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान जी आपके बीच में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपका प्रत्याशी होने के नाते, यहाँ के सांसद होने के नाते, एक बार नहीं आपने मुझे दो दो बार मौका दिया है, आप के बीच में जो मैं खिदमत किया, जो काम करने का हमारा तौर है, तरीका है, सब लोग जाए। 10 साल तक मैं सांसद रहा हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि नालंदा के लोगों को हमारे चलते कभी शर्म से शर्म हो जाए, ऐसा मैं कोई काम नहीं किया। आपने अगर तीसरी बार मौका दिया तो आपको और खिदमत करेंगे और मेहनत करेंगे। हम लोग का तो काम ही है जनता की सेवा करना, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज देश के सामने जो परिस्थितियाँ आई है, निश्चित रूप से आज हमारा देश जिस तरीके से आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 वर्षों से जो देश में जो कई समस्याएं हैं, चाहे उग्रवाद का हो, चाहे विकास का हो, आर्थिक रूप से जो संकट देश के सामने था उसको उन्होंने उबारने का काम किया है। एक नहीं, जिसके पहले भी मैं सांसद था उस समय देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लड़ा उठाला था, मनमोहन के टाइम में लगातार घोटाला था, जिस तरीके से यहाँ के घोटालेबाज लोग जेल में है उसी तरीके से पिछली बार जो सरकार थी मनमोहन सिंह की लगातार घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी खेल घोटाला, घोटाला दर घोटाला था। और उसी तरीके से उग्रवाद लोग जिस तरीके से उनके समय में, चाहे बॉम्बे की घटना देखे, चाहे बंगलोर की घटना देखें, दिल्ली का पार्लियामेंट का घटना देखें, कई ऐसी घटनाएं घटी कि लगातार देश के सामने एक संकट गिरा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से आज तक कोई अंगुली नहीं उठा सका इनके समय में कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे जो गठबंधन है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, किसी नेता में दाग नहीं है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हूँ, लेकिन बगल के जो हमारे विरोध में हैं, कोई उनके नेता जेल में हैं, कोई बेल में हैं, तो कोई जाने वाले जेल में हैं, वैसे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आपसे विनती और निवेदन करूँगा कि देश के सामने जो परिस्थितियाँ हैं, आपको तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन हमारे देश को दिशा देगा, किस नीति से बनेगा, जो संवैधानिक व्यवस्था है देश का उससे देश चलेगा, कि वो लोग चाहते हैं जो रास्ते चलना चाहते हैं, जो जेल में जाने वाले लोग हैं, घोटाले वाले लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि संविधान की धज्जियां हो जाए, वो वैसे लोग देश पर राज करना चाहते हैं। तो मैं आपको निवेदन करूँगा कि आज देश के सामने जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में काम किया सबको मालूम है। क्या हुआ हमारे देश के नौजवान जो सरहद पर हम लोग की रक्षा करते हैं, हम लोग रात में सोते हैं लेकिन वो लोग रात में भी नहीं सोते हैं। पुलवामा की घटना में 40-45 लोग मारे गए, देश के प्रधानमंत्री बैठे नहीं रहे, लगातार महीना के अंदर ही पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कराकर लगभग 350 उग्रवादी ठिकानों पर छापा मरवाया, ध्वस्त करवाया। यह नरेंद्र मोदी का कमाल, आज देश का कमाल है। आज देश नहीं, पूरा दुनिया कहता है कि भारत आज अगली पंक्ति में आने वाला है, कि पूरे विश्व में भारत का नाम आ जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने, तो मैं जब पिछली बार सांसद था तो मनमोहन सिंह रोज दूसरे देश में जाके हाथ पसार रहे थे, कहते थे कि हमारे देश में पैसे की कमी, हमें आर्थिक रूप से मदद करिए। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी देश के सामने हाथ पसारने का काम नहीं किया, इसलिए देश का प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, यही विनती और निवेदन हम लोग करने आए हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारे देश का नीति निर्धारण करने वाला, देश के संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको चलाने वाला
हम तमाम लोगों की सुरक्षा करने वाला, अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहिएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि देश का प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी को बनाइए। पहला एक नंबर पर तीन छाप का बटन अगर दबाइएगा तो दिल्ली में कमल खिलेगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा और उसी मंत्रिमंडल में चिराग पासवान भी होगा। यही विनती और निवेदन मैं करने आया हूँ, मैं कोई भाषण नहीं बल्कि निवेदन करने आया हूँ। आपने अगर मौका दिया तो आपकी खिदमत करूँगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।